बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मुझे सपोर्ट करें। मेरा न्यू चैनल है, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरी वीडियोस एंड तक देखा करें, स्किप मत किया करें, वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल शाहीन्स कुकिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही आसान रेसिपी, खालस मकई की रोटी। खालस मकई की रोटी बनाने के लिए हमें जो अज़ा ज़रूरत होंगे वो ये हैं: मकई का आटा 1 किलो, नमक 2 चाय के चम्मच। मकई की रोटी के साथ लस्सी ना हो तो मज़ा ही नहीं आता, इसलिए लस्सी बनाने के लिए हमें जो अज़ा ज़रूरत होंगे वो ये हैं: दही 1 किलो, नमक 2 चाय के चम्मच। लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले देगचे में दही शामिल करूँगी। और इसके साथ नमक, और इसमें एक बाउल भर के पानी डालेंगे। इसकी लस्सी बनाएंगे। अच्छी तरह हिलाएंगे तो गाढ़ी बनेंगी लस्सी। सबसे पहले किसी बड़े बर्तन में मकई का आटा शामिल करेंगे और नमक डालकर पानी से इसे गूंदेंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं शामिल करना है कि वो फिर बनती नहीं है रोटी। और आप देख सकते हैं कि मेरे खालस मकई का आटा है, मैंने कोई भी गंदम का आटा वगैरह शामिल नहीं किया। आपने काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी जो कहते हैं कि मकई का आटा और साथ में गंदम शामिल करके बनाते होते हैं, खालस मकई का आटा है। ऊपर डालूंगी, आप देखिए कि खालस मकई की रोटी है, जिसमें मैंने कोई गंदम का आटा शामिल नहीं किया। और जो खालस मकई की होती है वो बेलन से नहीं बनाई जाती, वो आसान से बनाई जाती है। जो बीच में गंदम का आटा शामिल कर देते हैं वो फिर बेलन से बनाते रहते हैं, कि खालस मकई की रोटी है। अगर आपसे ना बने तो आप छोटी भी बना सकते हैं। माशाल्लाह से हमारी खालस मकई की रोटी तैयार हो गई है। आप भी ऐसे खालस मकई की रोटी बनाएं और लस्सी के साथ तनावल फरमाएं। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।